हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खेत से भिंडी तोड़ के लाए हैं, एकदम से हरा हरा और देखे देखने में ताजा। भिंडी का रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। रेसिपी में हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा, भिंडी दो प्याजा एकदम गांव देहात के तरीके से बनाएंगे। और हम भिंडी को सबसे पहले पानी में भिगो कर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसमें जो धूल हो अच्छे से निकल जाए। तो हम डाल देते हैं इसमें जो धूल होगा निकल जाएगा। तो जब तक इसमें से धूल निकल रहा है, तब तक हम मसाला ले आते हैं। दोस्तों, मसाला लेके हम आ गए हैं। तो मसाला में हम क्या क्या डालेंगे भिंडी दो प्याजे बनाने के लिए, आपको अगर प्याज ज्यादा पसंद है तो ज्यादा रखिए, लेकिन आधा किलो हम 500 ग्राम भिंडी बना रहे हैं, तो 500 ग्राम में 4 गो प्याज काफी है। तो प्याज हम लिए हैं, तो एक प्याज को हम इस आकार में छिलका निकाल के हम बना के काट के रख लिए हैं, और दूसरे और प्याज को हम बारीक काटे हैं। और ये है टमाटर, अदरक और लहसुन का हम पेस्ट तैयार करेंगे। और फोरन में हम तेजपत्ता, जीरा और कस्तूरी मेथी डालेंगे हरा मिर्च के साथ। और मसाला में ले लिए हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। स्वाद के लिए हम धनिया पत्ता डालेंगे। बस इतना ही सामान में हमारा भिंडी दो प्याजा रेसिपी बनके बहुत ही लाजवाब और टेस्टी तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले हम भिंडी को पानी से निकाल लेते हैं। हम अच्छी तरह से धो दिए हैं, पानी में भिगो दिए, तो इसमें से गर्दा जो था सब निकल गया है। तो हम निकाल लेते हैं। तो भिंडी को अच्छी तरह से हम धो लिए हैं, तो हम इसे कट लगाएंगे 1 और 1.5 इंच के अंतराल में। इसमें कट लगाएंगे हम, जड़ी को हटा देना होता है, बस यही अंतराल में हम इसको कट लगाएंगे। सारे भिंडी को हम अच्छी तरह से 1.5 और 1 इंच के अंतराल में कट लगा लेंगे। सारे भिंडी को हम बारीक बारीक काट लिए, 1 और 1.5 इंच के अंतराल में हम काटे हैं। तो चलिए हम भी दो प्याजा का रेसिपी जो बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। तो कढ़ाई गरम हो गया है, तो हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, तो हम पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। चला देंगे इसको। अपने गांव देहात के तरीके से भिंडी दो प्याजा का रेसिपी बनाएंगे। अगर मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन को थोड़ा चुनचुना लीजिएगा भिंडी स्टाइल में। भिंडी फ्राई हो गया है, तो हम निकाल लेते हैं। कर लिया है, और प्याज जो हम काट के रखे हैं उसको हल्का हम ब्राउन करेंगे तेज ताव में।
चाव तेज है और तेल भी गर्म है, हल्का हम इसे ब्राउन करेंगे, इसको गलने नहीं देना है। हल्का ब्राउन हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों भिंडी और प्याज को हम फ्राई कर लिए हैं, तो अब भिंडी को फाइनली भिंडी दो प्याज का रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करें। ये प्याज का हम पेस्ट बनाए हैं, ये टमाटर का पेस्ट है, इसमें अदरक लहसुन मिक्स है, बारीक कटा हुआ प्याज है जो हम फोरन में डालेंगे, और हरा मिर्च भी फोरन में डालेंगे, तेजपत्ता भी फोरन में डालेंगे, और जीरा भी, और ये कस्तूरी मेथी हम मसाला फ्राई करते समय डालेंगे। तो सबसे पहले हम फोरन में जीरा डालेंगे, साथ ही तेज पत्ता भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज मेरा भुना दिया है, तो हम इसमें मसाला में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच हम आमचूर पाउडर डाले हैं। आमचूर पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद में, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही फ्राई करेंगे, हल्का पानी डालेंगे, हल्का। प्याज का पेस्ट डालेंगे, साथ ही कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। साथ ही हम आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। टमाटर भी हम इसी में फ्राई करेंगे। स्वाद के लिए हम नमक डालेंगे, दो मिनट के लिए मसाला को पकने देते हैं ताकि मसाला में से अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे, ऑयल छोड़ देगा तो मेरा मसाला भुना के तैयार हो जाएगा। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, देखिए ऑयल कैसे छूट रहा है। तो हम इसमें भिंडी जो फ्राई किए हैं वो डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं, तो रस के लिए हम पानी डालेंगे, ज्यादा रस नहीं करना है, पानी हल्के डालेंगे। दो मिनट के लिए ढक देते हैं। तैयार हुआ है कि नहीं, मेरा भिंडी दो प्याजा बहुत ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब बन के तैयार हो गया दोस्तों। देखिए हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, साथ ही हम प्याज फ्राई किए थे प्याज भी डालेंगे, धनिया भी डाल देते हैं। तो चूल्हा पर से हम उतार लेते हैं। दोस्तों भिंडी दो प्याजा का रेसिपी बना के तैयार कर लिए, तो चलिए बच्चा सबको खिला कर देखते हैं जो स्वाद कैसा बना है। प्याजा रेसिपी के साथ हम रोटी बनाए थे, आप चाहे तो चावल पूरी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए हम रोटी के साथ बच्चा सबको खिलाते हैं। प्याजा का रेसिपी जो हम बनाए एकदम गांव देहात के तरीके से,
आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी को थोड़ा टुनटुना लीजिएगा देसी अंदाज में। आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।